हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो एंड माय चैनल इंग्लिश टू टेक वंस अगेन। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मास कम्युनिकेशन और टेक्निकल कम्युनिकेशन के बारे में कि मास कम्युनिकेशन और टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके क्या फीचर्स हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या फंक्शंस वगैरह होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने जिस वीडियो के बारे में बात करी थी, गाइडलाइंस फॉर इंटरव्यू, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर के अभी चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं मास कम्युनिकेशन और टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनसे रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सीधे से डिफिनेशन पर आते हैं, जैसे कि मास, दोस्तों आप लोगों को पता है, हालांकि हम लोग इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मास कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंस को, लेकिन यहां पर जो भी मास जैसा कि वर्ड है, मास का क्या मतलब होता है कि जो भी जनता होती है उससे रिलेटेड जो भी चीजें होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। ठीक है, जो भी जनता होती है, भीड़ भाड़ वाली जगह या फिर भीड़ भाड़, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो जैसा कि वर्ड से ही पता चला, मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या कि ऐसा कम्युनिकेशन जो कि पूरे जनता को बताया जाना चाहिए, जो कि पूरे सभी लोगों तक पहुंचाया जाए, उस कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, मास कम्युनिकेशन। इसका सीधा सा एग्जांपल हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इस बार फिर से डिस्कस करते हैं कि जैसा कि प्राइम मिनिस्टर को अगर कोई सी भी बात रखनी होगी अपने सामने, अपने देश के सामने, ठीक है, तो उनके लोग उनके उनकी बातों को जाने समझें, ठीक है, तो इसलिए वो क्या करेंगे कि सीधी सी बात है, वो जैसे ही बोलेंगे इससे क्या होगा, जितनी भी प्रिंट मीडिया होगी, जितने भी हमारे ये मीडिया वाले लोग होंगे, सब लोग अपने अपने उसमें दिखाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, तो अपने अपने चैनल्स वगैरह में। तो वो क्या होता है, हमारा मास कम्युनिकेशन होता है, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा एक बड़े पैमाने पर ही बात करा जाता है और सभी लोगों तक ही, सब लोगों को उसको खबर होती है, ठीक है। तो इसी को हम लोग मास कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं कि मास कम्युनिकेशन का ऐसा है मतलब कि खूब बड़ा सा, जिसमें कि एक ऐसी न्यूज़ जो कि सभी लोगों तक पहुँचाई जा सके एक बड़े पैमाने पर, चाहे वो न्यूज़पेपर के माध्यम से, चाहे वो लाइव कास्ट के द्वारा, चाहे किसी वीडियो के द्वारा, चाहे वो टेलीविज़न देख करके, तो उसी को हम लोग क्या मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्लियरली कि मास कम्युनिकेशन एक्चुअली में होता क्या है, और इसको टेक्निकल कम्युनिकेशन हम लोग इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसमें टेक्निकल चीज़ों का यूज़ होता है। जैसे कि अगर आपको वीडियो पोस्ट करना है तो उसमें भी मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट, ये सारी चीज़ों का यूज़ हो रहा है, ठीक है, कंप्यूटर वगैरह का यूज़ हो रहा है, तो ये क्या है, टेक्निकल है। टीवी में अगर आपको लाइव टेलीकास्ट करना है तो वो भी सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, तो इस वजह से भी इसको हम लोग टेक्निकल कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो अभी चलते हैं, फिलहाल हम लोग इसका क्या डिफिनेशन है यहाँ पर देखते हैं। मास कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच अ पर्सन, ग्रुप और अ पीपल और एन ऑर्गेनाइजेशन सेंड्स अ मैसेज थ्रू अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ एनोनिमस एंड, यहाँ पर लिखा हुआ है एनोनिमस एंड हेट्रोजीनियस, तो पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आप पूरा देख पा रहे हैं कि कितना लंबा सा लिखा हुआ है, इसकी पूरी एक डिफिनेशन है, ठीक है, तो एक ही लाइन में है लेकिन एकदम परफेक्ट है, अच्छी तरीके से लिखी हुई है। इसका मतलब मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मास कम्युनिकेशन जो भी है वो एक तरीके का ऐसा है प्रोसेस होता है जिसमें कि इन विच अ पर्सन ग्रुप और अ पीपल, जिसमें कि कोई सा भी ग्रुप या फिर कोई सा भी पीपल या फिर कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी संस्था होती है, ठीक है, तो वो सारी संस्था क्या करती है, कोई सा भी ऐसा मैसेज डिलीवर किया जाता है जो कि एक बड़े से लार्ज ग्रुप, मतलब कि कई सारे लोगों तक पहुंचाया जाता है। जबकि जो हमारे अभी मास कम्युनिकेशन से पहले हम लोगों ने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन पढ़ा था, ठीक है, तो उन सभी कम्युनिकेशन में क्या होता था कि हम एक दूसरे को जानते थे, ठीक है, हम एक दूसरे को जानते थे, जैसे कि आमने सामने बैठ करके जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा है, उसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जानता है और फेस टू फेस बैठ करके एक व्यक्ति बात कर रहा है, ठीक है, दो लोग बैठ करके बात कर रहे हैं। जबकि ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है, अधिकतर लोगों को हम जानते ही हैं, ठीक है, तो ग्रुप कम्युनिकेशन भी हो जाता है। अब लेकिन मास कम्युनिकेशन का क्या मतलब कि एनोनिमस का क्या मतलब कि बहुत सारे जाति के अलग अलग, या फिर हेट्रोजीनियस का मतलब बहुत जाति के सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जिसको सबके बारे में, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में सबको नॉलेज होती होती है, ठीक है, तो उसको ही हम लोग मास कम्युनिकेशन बोलते हैं, पीपल एंड द ऑर्गेनाइजेशन। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, और इसकी डिफिनेशन भी बहुत सिंपल सी है, भरी थोड़ी लॉन्ग है लेकिन बहुत सिंपल सी है, आप इसको लर्न भी कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि ऐसे चैनल जिसमें कि कम्युनिकेशन किया जाता है, किसके इंक्लूड, मतलब ब्रॉडकास्ट के द्वारा या फिर टेलीविज़न के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है, रेडियो भी होता है, सोशल मीडिया जो भी हमारे आज के टाइम के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, मीडिया है, तो प्रिंट मीडिया हो गई, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये क्या है, हमको एक मास कम्युनिकेशन एक बहुत ही बड़े स्केल पर जो भी है कम्युनिकेशन करने के लिए हमको क्या करती है, ये सारे बहुत ही एकदम परफेक्ट चैनल हैं। सोशल मीडिया में कोई सभी पोस्ट करिए तो उसमें क्या सब जगह फैल जाता है, टेलीविज़न हो गया या फिर प्रिंट मीडिया हो गई, चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर ऐसे चैनल्स हैं जिसमें बहुत ही जल्दी और बहुत आसानी से ही किसी कोई भी बात अपने आप को, अपनी बात को रख सकता है, ठीक है, तो सभी जगह ये फैल सकता है। उसके बाद में फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा, सम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर जर्नलिज्म, जैसे कि कुछ इस तरीके के कम्युनिकेशन बताए गए, जैसे जर्नलिज्म मतलब जो जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं, सच एज न्यूज़, जो भी न्यूज़ होती है, न्यूज़
भाई सभी कोई आमतौर पर सब कोई देखता है, सब कोई पढ़ता है, ठीक है। और पॉलिटिक्स में इसका यूज़ होता है, पॉलिटिक्स वगैरह में जो मतलब राजनेता वगैरह होते हैं कि हमने क्या काम करवाया क्या नहीं करवाया, तो पॉलिटिक्स में मास कम्युनिकेशन का एक बहुत ही ह्यूज पैमाने पर मतलब बड़े पैमाने पर रोल प्ले होता है, ठीक है। पॉलिटिक्स में जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं वो कहीं ना कहीं मास कम्युनिकेशन का सहारा जरूर लेते ही लेते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिक्स में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है मास कम्युनिकेशन का, क्योंकि हर एक नेता जो भी होता है वो क्या करता है कि अपना अपना जो भी है प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, और सब प्रचार प्रसार कैसे करते हैं अपना, या तो टेलीविज़न के माध्यम से करेंगे, न्यूज़पेपर के माध्यम से करेंगे, ठीक है, रेडियो चैनल, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन सभी की मतलब कि सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये सारी क्या करती हैं, इनके जो भी पॉलिटिक्स हैं, जो भी इनके प्रचार प्रसारक होते हैं, तो उनको प्रसारित करने में इनकी मदद करते हैं, ठीक है। तो फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि पब्लिक रिलेशंस एंड द एडवर्टीजमेंट, यही सारे इनके एडवर्टीजमेंट छापे जाते हैं और लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि फॉर बिग पॉलिटिक्स एंड अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस मास और टेक्निकल कम्युनिकेशन इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। अगर आपको पॉलिटिक्स करना है, ठीक है, या फिर कोई सा भी बिजनेस करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, आप चाहते हैं कि आपकी पहचान बने, लोग आपको आपके काम को और आपको चार लोग जाने, ठीक है, समझे, बहुत सारी पब्लिक जाने, ठीक है, तो उसके लिए आपको मास कम्युनिकेशन का सहारा लेना ही पड़ेगा, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से आपको अपना प्रचार प्रसार करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मास कम्युनिकेशन क्या होता है, और इससे रिलेटेड हम लोग पहले ही इसके इंपॉर्टेंस को डिस्कस कर चुके हैं। सो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप चाहें तो उधर से देख सकते हैं, इसका इंपॉर्टेंस भी है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसको समझाने की कोशिश करी हुई है, ठीक है। और नहीं तो आप सीधे सीधे एक प्लेलिस्ट मैंने बना करके रखी हुई है, आप प्लेलिस्ट का नाम सुन लीजिए सही से, और इसी चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और उसको आप सर्च कर सकते हैं, सारे वीडियोज आपके दिख जाएंगे, ठीक है। तो प्लेलिस्ट का नाम है कम्युनिकेशन फॉर बिजनेस एंड मीडिया, ये प्लेलिस्ट का नाम है, आप जाकर के अभी चेकआउट करिए, सारे वीडियोज आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जनरल कम्युनिकेशन क्या होता है, और टेक्निकल और मास कम्युनिकेशन और जनरल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वंस अगेन।